बताए ना जैसे रहन वैसे रहे। Gracias.
saber, saco. दो दिनों का तेल लगा रही कुछ निकाल दूंगी कल खाना बनाओ चक्कर में जल्दी से आज खाना बनाओ जल्दी चक्कर में पापा आज बैठे बनाना जल्दी चक्कर बना ली ना मैं आज के आज से कपड़ा घेर कर दिया भाई अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं इनका ब्लाउज लेकर आए हम अकेले ही नहीं पाए बुखार तो फिर हम दवाई का कोड़ के त्रालस लग के खाते जाए 11 बजे तक पंखा मार मार के चले खाएंगे पार्लर में क्या क्या रहे लगा लें क्रीम पूरा खत्म कर डालती है कहते हैं पूरी हो गए
फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हम आगे हैं दोस्तों के साथ। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, इनको आईब्रो बनवाना था, तो आपको ये बनाने आई थी और ये सलोन से थी से। तो ये मैंने नाम पूछा तो ये करके पता नहीं कि नाम पास रही है, जबकि मैंने सिर्फ उनकी आईब्रो की वीडियो बनाई है और ये बहुत ज़्यादा डर रही थी। और सीरियसली मैं एक चीज़ बताऊँ कि यार ये इन्होंने अपना नाम तक बताया मुझे, तो फिर मैंने इनसे पूछा ही नहीं। मैंने सोचा चलो थ्रेडिंग कर देते हैं, जो करवाने आए हैं वो कर देते हैं। और मैं इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ और आप लोग तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मैं धागा निकाल रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से मैं निकाल रही हूँ कि क्लाइंट को पेन ना हो। और पेन होता है तो फिर अनकम्फर्टेबल लगता है, तो धागा जो है आपने बहुत ज़्यादा ढीले हाथों से चलाना है। और मैं बहुत से लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बनाते हैं आईब्रो तो फिर एक एक बाल निकालते हैं, बट मैं यहाँ पे एक एक बाल में मुझे जितना सेप देना था मैं उतना सेप दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं उसको रिमूव करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, आप इस थ्रेडिंग में देखिएगा मुझे जितना निकालना है मैं उतना निकाल दे रही हूँ। देन हम नीचे के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं और सेप को अच्छे से दे देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। और नीचे की थ्रेडिंग मैं सबसे पहले बनाती हूँ, फिर ऊपर की थ्रेडिंग ऊपर से बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो सेम प्रोसेस करती है और इनका जो है थ्रेडिंग कुछ इस तरीके से डर की थ्रेडिंग बनवा रही थी कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। यार गलत क्यों करेंगे, इनकी वीडियो हम पूरा क्यों डालेंगे, फेस जब क्लाइंट को नहीं सही लग रहा है अपना फेस दिखाने में तो मैं क्यों दिखाऊँगी। बताइए कि ये मतलब मैं क्यों डालना चाहूँगी यार इनकी वीडियो, तो बस मुझे आईब्रो दिखाना रहता है तो आईब्रो के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बाकी और किसी पर्पज़ से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो इनको ऐसे ही क्लाइंट जब आते हैं तो इनको कैसे समझाएं, हमें हमारे तो समझ में नहीं आता है, बस क्लाइंट हैं तो थोड़ा सा नम्रता से बात भी करनी, बाकी और कोई बात नहीं होती। तो आप देख सकते हो मैं आपके लिए कितनी प्रॉब्लम फेस कर अच्छे से रिमूव हो गया है और इनकी फोर बहुत ज़्यादा थी तो मैं फोर अप भी कर दे रही हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, मैं अभी अपने पार्लर पर बस 20 रुपये ही थ्रेडिंग के का रेट रखा है और उसी में फोर अप भी करती हूँ। और आप लोग बताएं आप लोग के यहाँ क्या क्या रेट है थ्रेडिंग और फोर अप का, थ्रेडिंग फोर अप का मिला के क्या क्या रेट है, कितना रेट है। और मैं यहाँ पे बस 20 रुपये में सब कुछ करती हूँ, थ्रेडिंग फोर अप दोनों। तो आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस टाइम पता नहीं कि मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कौन सी गलती मुझसे हो गई या आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता है। तो कुछ एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि मेल की थ्रेडिंग बनाओ, तो मैं मेल की थ्रेडिंग कहाँ से बनाऊँ, ये मेरी इस वीडियो के बारे में, तो मैं मेल से कहाँ बनाऊँ, तो उनके लिए सॉरी मिलते हैं ना।
है।